पंजाबी एकता पार्टी की ओर से लुधियाना स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें तरनतारन में स्थित श्री दरबार साहब की दर्शनी ड्योढ़ी ढाए जाने के मामले में पंजाबी एकता पार्टी ने एसजीपीसी के प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल से इस्तीफे की मांग की। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि एसजीपीसी प्रधान अपने दामन बचाने के लिए गुरुद्वारा साहिब के मैनेजर को निशाने पर ले रहे हैं, जो कि सब दर्शनी ड्योढ़ी के पुनर्निर्माण के नाम पर पैसे ऐंठने की कोशिश है। कि जेड़ा है होया दर्शनी ड्योढ़ी ढाउण दा ये एसजीपीसी प्रधान ने ऑर्डर दिते ने, पर हुण जदों घिरदे नज़र आ रहे ने ओह जिहड़े उत्थों दे मैनेजर ने गुरुद्वारा साहब दे उहनां नूं बली दा बकरा बना रहे ने, क्योंकि लोक तां इमारतां नूं संभालदे ने, ठीक है जी। महाराजा रणजीत सिंह दे बेटे ने बनवाई सीगी दर्शनी ड्योढ़ी, कोई उहनूं कुछ होया नहीं सी, किसे खस्ता हालत विच नहीं सीगी ओह, और जे हुंदी वी तां आपां ओह इमारतां नूं जिहियां नूं संभालदे आ रिपेयर करवाने आ। पर एसजीपीसी प्रधान ने कार सेवा वालों तों, क्यों करोड़ों रुपये का यह सौदे होंगे ने जी, लैके अगे उन्होंने कार सेवा वालों को कहा कि हुण जी तुसीं इहनूं ढाहो, और वह अपना पूरा जिद्दां आपां एक फोर्स जांदी है ना हमला करना हुंदा किसे ते, 150-200 बंदा हथियार लैके नाल कृपाना लैके बेसबॉल बैट लैके रात नूं 12 बजे, क्योंकि जे आपां कोई सेवा करनी है तां आपां दिने करदे आ, 7 बजे करो सुबह, 8 करो दुपहरे, 12 कर लो, और ना आपां हथियार भी नहीं लैके जांदे। उहनां नूं पता सी कि असीं जो करन जा रहे हां गलत है, उन्होंने रात को 12 बजे ढाउणी शुरू की, और उतों के जोड़े लोग लाइट से उन्होंने विरोध किया, और जो विरोध किया तो उन्होंने दो मुंडिया के सट्टा भी मारिया जी, बेसबॉलों के बैटा के नाल कुटे ने वो, तो उन्होंने बहुत सट्टा भी लगिया ने, और हुण वो बचते नज़र आ रहे हैं, अपने आप को बचाते नज़र आ रहे हैं। पर अज सुखपाल सिंह खहरा उत्थे गए ने, और जिदा मैं पहला कहा कि वह स्थिति का जोड़ा वो बरीकियां है वो सारे गैदर करे इनफॉरमेशन, अगे जो भी सानू प्रोग्राम मिलन अभी करा। जागृति लाइव के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा सोनी की रिपोर्ट।